नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम क्या सीखेंगे कि जो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है उसको हम शॉर्टली कैसे डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि कोई बच्चा कोई डिवीजन दे दिया एलजेब्रिक में, तो उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना काफ़ी थोड़ा लेंदी टाइप का हो जाता है। तो आज हम एक ऐसा मेथड सीखेंगे जिससे उसको हम दो लाइन में डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, हमको लॉन्ग डिवीजन करना नहीं पड़ेगा। इस मेथड का नाम क्या है, हॉर्न्स मेथड, या इसको सिंथेटिक डिवीजन मेथड भी बोलते हैं। तो या तो हॉर्न्स मेथड या सिंथेटिक डिवीजन मेथड। यह जनरली हमारे पास नॉर्मल बुक में नहीं मिलता है, लेकिन इसको हम लोग यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, अगर हम इसको यूज करेंगे तो ये हमारे पास जो कंपटीटिव का क्वेश्चन है ना उसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि इसमें हम दो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लिए हुए हैं और वो सब आपको देखना है, नहीं तो क्या होगा एक्चुअली कि आप कहेंगे कि सर एक क्वेश्चन आपने बता दिया, बाकी क्वेश्चन तो होता ही नहीं है, इसलिए पूरा देखिए आप। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक पहला हमारे पास क्वेश्चन देखिए ये दे रखा है कि 3x³ - 5x² + 6x - 1, इसको हम डिवाइड करना चाहते हैं किससे, x - 2 से। अब एक तरीका है लॉन्ग डिवीजन मेथड, सो मेथड वन आप हो सकता है आप लोग जानते होंगे, दैट इज द मेथड वन यू कैन डू यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग मेथड्स है ना, ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, तो टाइम कंज्यूमिंग है। हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर आपको बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, आपको बोर्ड में से आप क्वेश्चन आया, तो आपको तो फिर यही यूज करना पड़ेगा। तो जो मैं बता रहा हूँ वो आपको कंपटीटिव के लिए या आपने जो डिवीजन किया है उसको चेक करने के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं कि हमारा डिवीजन सही है कि नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए करना कैसे है, ध्यान से स्टेप बाई स्टेप समझिएगा इसको और फिर आप आसानी से इसको खुद से भी कर सकते हैं। तो हम डिवाइड करने वाले हैं चीज़ को, देखिए तो आप सबसे पहले इसको क्या करना है ना कि आपको हमको सिर्फ यहाँ कोफिशिएंट पे हमको खेल खेलना है, हम सिर्फ कोफिशिएंट को लिखेंगे और डिवीजन हमको पूरा करना ही नहीं है। देखिए लिखने का तरीका क्या होता है, तो आप इसको इस तरीके से लिख लीजिए सबसे पहले, तो है ना ऐसे कर लीजिए, और यहाँ पे आपको क्या करना है इसका कोफिशिएंट लिख लीजिए। तो यहाँ पे आपका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो कोफिशिएंट इसका है, एक्स का कोफिशिएंट कितना है, इसका कोफिशिएंट 3 है, तो 3 लिख लीजिए यहाँ पे। कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है, -5 है, तो -5 लिख लीजिए। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, 6 है, तो 6 लिख लीजिए। कॉन्स्टेंट टर्म कितना है, 1 है, तो इसको आप 1 लिख लीजिए। ये हमने कर लिया। सेकेंड स्टेप में क्या करना है आपको कि जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, जिससे करना है ना, इसको इक्वेटिंग टू 0 कर लीजिएंगे, यानी कि आप कर लेंगे x - 2 = 0। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये x = 2 वैल्यू आया है, इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे। इसको कहाँ पर लिख लेना है आपको, यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट आप यहाँ पे क्या करेंगे, हर बार हम पहला वैल्यू यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। तो पहला वैल्यू हमको क्या लेना है यहाँ पे, 0। फिर क्या करेंगे, इसको ऐड करके लिखिए, तो 3 + 0 कितना हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 3। तो इसको लिख लीजिए 3। फिर इसको और इसको करना है मल्टीप्लीकेशन, तो 2 × 3 कितना होगा, 6 होगा। जो मल्टीप्लीकेशन करके आया है उसको अगले वाले के नीचे में लिखना है, तो अगला वाला वैल्यू कितना है हमारे पास, -5। तो इसके नीचे में लिखिए कितना हो गया हमारे पास, 6 आ गया। अब क्या करना है, इस दोनों को ऐड करना होता है ना, इस दोनों को क्या करेंगे, ऐड। तो -5 + 6 कितना हो गया, 1 हो गया, तो यहाँ लिख लीजिए 1। फिर से यही सेम स्टेप रिपीट होगा कि आपको इसको इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे, जो मल्टीप्लीकेशन करके आएगा उसको अगले वाले के नीचे लिखेंगे, तो 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2। यानी कि अगले वाले के नीचे क्या लिखना है आपको, 2 लिख लेना है यहाँ पे, तो 2 लिख लिया। फिर से क्या करेंगे, आप इसको ऐड कीजिए, तो 6 + 2 कितना हो गया, 8 हो गया। अब यहाँ पे आप 8 लिख लीजिए, समझ रहे हैं। फिर से क्या करेंगे आप, तो 2 and 8 से मल्टीप्लीकेशन, तो 2 × 8 कितना हो गया, 16 हो गया। तो आप यहाँ पे क्या लिख लोगे, 16। फिर से क्या करोगे, इसका ऐड करोगे, तो यही इसका आपका क्या हो गया, डिवीजन हो गया। अब ध्यान रखिए कि ये जो आपका आया है ना, ये जो लास्ट वाला टर्म हमेशा आएगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर। तो ये हमारा क्या दे देगा, दिस इज द रिमाइंडर वैल्यू। ये हमारे पास क्या दे दिया है, रिमाइंडर आ गया है ना। और यहाँ पे जो ये सब टर्म है, एक्चुअली देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट, यहाँ पे क्या था, डिग्री 3 था,
तो जब आप किसी लीनियर से डिवाइड किए हो, ये लीनियर है ना आपका, तो लीनियर से डिवाइड करने से क्या हो गया हमारे पास, एक डिग्री कम जाएगा। तो ये सब जो टर्म है ना आपका, ये टर्म हो गया, ए हो गया, ए हो गया, दिस आर द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक। तो ए आपका क्या है यहाँ पे, तो दिस आर द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक। सो हियर यहाँ पे ए जो आपका आ गया, 3 आ गया, 1 आ गया एंड 8 आ गया, दिस आर द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक। ये सब क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक, जो यहाँ पे क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक जो कोसेंट बनेगा, है ना, यहाँ जो कोसेंट आएगा। तो यहाँ पे मैं देखिए एक बार फिर से अच्छे से लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हम डिवाइड जो कर रहे थे एक्चुअली, तो यहाँ पे हमारे पास डिवाइजर कितना था, तो देखिए आप यहाँ पे डिवाइजर आपका ये है ना, अगर सेटअप को लिखें यहाँ पे, तो आपका डिवाइजर क्या था, आपका डिवाइजर था x माइनस 2, दिस इज आवर डिवाइजर, ठीक है। आपका यहाँ पे डिविडेंड क्या है, तो डिविडेंड आपको पता ही है, डिविडेंड आपका क्या दिया हुआ था, डिविडेंड जो क्वेश्चन में दिया रहेगा डिविडेंड, डिविडेंड कितना दे रखा था, दैट इज 3x³ माइनस ऑफ 5x² देन प्लस 6x + 1, दिस इज द डिविडेंड। एंड रिमाइंडर कितना आया हमारे पास, तो ये वैल्यू रिमाइंडर, ध्यान रखिए अगर ये मान लीजिए परफेक्टली डिविजिबल होता तो रिमाइंडर का वैल्यू अपने आप 0 आ जाता। इस केस में परफेक्टली डिविजिबल नहीं है तो हमारा रिमाइंडर बच करके आ रहा है। तो इसको हम लोग यूज करते हैं जब हमको क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना होता है, और अगर आपके पास एक रूट पता है तो हम बिना उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड किए हुए हम डायरेक्ट उसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम शॉर्टकट भी एक और भी है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, देखिए डिविडेंड आ गया, ये हमारा डिवाइजर आ गया है ना, और ये जो आपका कोशेंट आ गया, तो कोशेंट क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूँ कोशेंट का, तो कोशेंट के अंत है यहाँ पे, तो ये आया है कोफिशियंट ऑफ x² दैट इज कितना हो जाएगा हमारे पास 3x² एंड ए हो गया कोफिशियंट ऑफ x दैट इज क्या हो जाएगा प्लस ऑफ x और दिस इज द कॉन्स्टेंट टर्म, तो ये हमारे पास कितना आ गया प्लस 8। तो यही बच्चे हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया, तो हमने रिमाइंडर भी निकाल दिया इसका, रिमाइंडर कितना है हमारे पास, रिमाइंडर इतना लिख लूँ, तो रिमाइंडर का वैल्यू हमारे पास आ रहा है 17। तो हमारा रिमाइंडर देखिए 17 आ गया और ये हमारे पास कोशेंट आ गया। इस तरीके से हम इसको शॉर्टली डिवाइड कर सकते हैं, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। चलिए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, अगर इसमें कुछ डाउट वगैरह रहता है किसी का तो वो कमेंट में नीचे लिखते हैं, तो हम उसको कमेंट में रिप्लाई कर देंगे, या अगर देखा मुझे लगा कि एक ज़्यादा बच्चों को दिक्कत आ रहा है तो एक नया वीडियो फिर से इस पर बना देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में, देखिए आप, तो इस क्वेश्चन में आप कहेंगे कि सर यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे x³ का कोफिशिएंट है, x² का टर्म ही नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं है तो उसके लिए मैथ में उपाय है ना, 0, तो आप क्या करोगे उसका कोफिशिएंट को 0 ले लो। चलो शुरू करते हैं इसका हम लोग सॉल्यूशन, तो देखिए ध्यान से सब लोग, तो आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, ए हमारा क्या हो गया, सो दिस इज आवर डिविडेंड, ए हमारा क्या हो गया डिविडेंड हो गया, इससे हमको ए हमारा क्या हो गया डिवाइजर, जिससे डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिवाइजर। चलिए सबसे पहला काम क्या है, जिस तरह से हम बनाते हैं उस तरह से आप बना लीजिए एक, जैसे हम एल सी में भी इस तरह से क्या करते हैं जनरली, तो ये हमारा इस तरह से हम एक बना लिए, ठीक है। चलिए फिर आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इस तरह से बना लो, है ना, ये हमने बना लिया, और क्या करना है कोफिशिएंट लिखना है ना, तो राइट द कोफिशिएंट। सो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट की हम बात करें, कोफिशिएंट तो हमारे पास जो डिविडेंड है, डिविडेंड कोफिशिएंट क्या है, दिस इज -2 है, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x³, कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है 0 है, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 1 है, दिस इज 1 हियर, एंड देन कोफिशिएंट ऑफ कॉन्स्टेंट कितना है, वो हमारा -1 है, तो उसको हम लोग को यहाँ पे लिखना था, लिख लीजिए x² कोफिशिएंट कितना है हमारे पास -2, देन x² का नहीं है ना, तो उसको क्या लिखेंगे हम 0 लिख लेंगे, नहीं है तो 0 है, कॉन्स्टेंट कितना है हमारे पास यहाँ पे 1 है, और कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 1 है, और कॉन्स्टेंट कितना अपने पास -1 है। किससे डिवाइड करना है, x + 3 से, तो मैंने क्या बोला कि जिससे डिवाइड करना होता है उसको हम इक्वेटिंग टू 0 कर लेंगे, तो इसको आप इक्वेटिंग टू 0 दैट इज x + 3 इक्वल टू कर लीजिए 0, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया आपके पास -3, यानी कि हमको यहाँ पे क्या लिखना है -3, मतलब डिवाइजर को लेना है इक्वल टू 0 करके, तो यहाँ पे क्या लिखो गया -3 लिख लो यहाँ पे ऐसे, ठीक है। चलिए पहला टेम्परेचर में हमेशा लिखेंगे आप 0, इस तरह को क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो 0 + -2 कितना होगा -2 होगा, लिख लीजिए यहाँ पे, फिर से क्या करेंगे आप, तो इसमें हमारा क्रॉस में हमेशा होता है क्या मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन, तो -3
इंटू माइनस टू कितना होगा, सिक्स होगा। तो मल्टीप्लीकेशन करके आया उसको अगले वाले के नीचे लिखते हैं, तो अगला में यहाँ पे क्या हमारे पास सिक्स है, तो सिक्स तो यहाँ पे जीरो है, तो जीरो के नीचे क्या लिखोगे आप, सिक्स लिख लोगे है ना। फिर जीरो प्लस सिक्स करो, वैल्यू कितना आ गया, सिक्स आ गया। अब क्या करोगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो माइनस थ्री इंटू सिक्स कितना हो जाएगा, माइनस एटीन हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे हम क्या, माइनस एटीन, समझ रहे हो ना बात को, मैंने इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, तो सिक्स इंटू माइनस कितना हो गया, माइनस एटीन। उसको अगले वाले के नीचे लिख लीजिए, इसको क्या करेंगे फिर से आप ऐड करेंगे, तो वन प्लस माइनस एटीन ये हमारा कितना हो जाएगा, दिस इज माइनस सेवनटीन आ जाएगा। फिर से क्या होता है, इसको करना होता है मल्टीप्लीकेशन, तो माइनस सेवनटीन इंटू माइनस थ्री दैट बिकम्स फिफ्टी वन प्लस में, उसको क्या करेंगे अगले वाले के नीचे में लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 51। इसको ऐड कीजिए तो 51 एंड माइनस वाले कितना आ गया हमारे पास, 50 आ गया। तो आपको तो पता है जो लास्ट वाला वैल्यू होता है हमेशा क्या होता है, दिस इज द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर। तो ये हमारा किसका वैल्यू आ गया, रिमाइंडर का। और इधर वाला वैल्यू क्या हो गया हमारे पास, तो ये हमारे पास आ गया रिमाइंडर का वैल्यू, और जो इधर में बच गया दीज आर द कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक। तो क्या क्या लिखो बोलोगे, अगर लिखना चाहो यहाँ पे तो लिख लो। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा देख लीजिए, तो हमारा जो डिविडेंड है, जो क्वेश्चन में गिवन था डिविडेंड, डिविडेंड क्वेश्चन में गिवन था हमारे पास, वो तो आपको पता है दैट इज माइनस टू एक्स क्यूब प्लस एक्स एंड माइनस वन। डिवाइजर कितना है जी, तो हमारा जो डिवाइजर है, डिवाइजर एक्स प्लस थ्री से दिया गया था, तो वो हमारा डिवाइजर हो गया ठीक है। और क्वेश्चन की बात करें तो ये जो हमारा टर्म आया है इधर में, दीज आर द कोएफिशिएंट ऑफ क्वोशेंट, दीज आर द कोएफिशिएंट ऑफ क्वोशेंट, तो क्वोशेंट कितना हो जाएगा हमारे पास, क्वोशेंट लिख लीजिए। क्वोशेंट की अगर बात करोगे आप, तो ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज हो जाएगा माइनस टू एक्स स्क्वायर, देन दिस इज प्लस ऑफ सिक्स एक्स, देन माइनस सेवनटीन। तो ये आपका क्या हो गया, क्वोशेंट हो गया। और क्या हो जाएगा नेक्स्ट में, रिमाइंडर लिख लो, रिमाइंडर आपके पास कितना है, तो हमारा जो रिमाइंडर आया है दैट इज इक्वल टू 50, सिंपल। तो ये सब हमारे पास इस तरह से निकाल लेंगे, तो जहाँ जरूरत पड़ेगा हम इसको यूज कर देंगे। तो ये हमारे पास बेसिक है ना, इसको हम जहाँ जरूरत पड़ेगा उस तरह से यूज कर सकते हैं, होपफुली आपको समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और है, इसको भी ले लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, 4 डिग्री का है, तो अगर हम 4 डिग्री को किसी भी लीनियर से डिवाइड करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा क्यूबिक में कन्वर्ट। अच्छा ध्यान रखना, कई बच्चों को मन में ये बात आ रहा होगा कि सर सिर्फ और सिर्फ लीनियर से डिवाइड करेंगे क्या, तो हाँ बच्चे इसमें अगर मान लो क्वाड्रेटिक भी है तो क्या करो आप उसको फैक्टराइज कर लो, आप उसको क्या कर लो, फैक्टराइज कर लो, और फिर इंडिविजुअली आप डिवाइड कर सकते हो। अगर क्वाड्रेटिक भी है तो उसे डिवाइड कर सकते हो, थोड़ा सा उसमें वर्क हमारा बढ़ जाएगा ठीक है ना। लेकिन अगर हमारे पास ये लीनियर है तो हम आसानी से कर सकते हैं। चलिए इसको भी करके देख लेते हैं हम, तो हमारे पास डिवाइजर कितना है, दिस इज एक्स माइनस वन ठीक है। तो लाइन लीजिए, सो सबसे पहले हम यहाँ पे एक्स से लाइन लगा देते हैं, दिस इज द लाइन ओके। और क्या करेंगे हम यहाँ पे फिर से एक लाइन इधर लगा लेते हैं हम लोग है ना। इसमें करके हम कॉफिशियंट लिखेंगे, तो कॉफिशियंट लिख लीजिए यहाँ पे ध्यान से एक बार। कॉफिशियंट क्या है, कॉफिशियंट ऑफ एक्स टू द पावर फोर कितना है, फोर है, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं कॉफिशियंट ऑफ एक्स। अच्छा ध्यान रखना, एक्स की कॉफिशियंट को मिस मत करना, मिस करने से भी गड़बड़ है। तो जब हम कोई भी पॉलीनोमियल लेते हैं तो कोएफिशिएंट उसका सबका लेंगे, अगर नहीं है तो उसको हम जीरो लिख देंगे ठीक है ना। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना आ जाएगा हमारे पास, जीरो। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास, थ्री। दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट वी हैव, थ्री राइट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ वी हैव थ्री। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, दिस इज माइनस फाइव, एंड देन कोएफिशिएंट ऑफ कितना हमारे पास, फोर। कितना हो गया ठीक है। अब देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे, तो पहला चीज वही, जो भी आपको डिवाइजर दे रखा है उसको क्या करोगे आप, इक्वल टू जीरो ले लो। तो एक्स माइनस वन दिया था, इसको हम क्या करेंगे, इक्वल टू कर देंगे जीरो। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, वन आ गया है ना। यानी कि हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, वन लिखने वाले हैं। तो हमारे पास कितना हो गया, वन हो गया ठीक है जी। चलिए अब आगे देखिए, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो अगला बार हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमेशा पहला वैल्यू के नीचे में लिख लो तुम जीरो ठीक है। अब इसको करो ऐड, इसको हमेशा ऐड करते हैं, तो 4 प्लस 0 तो सिंपल सा 4 हो जाएगा। और इसके साथ क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उस 4 को अगले वाले के नीचे लिखते हैं, आपको आप तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मैंने ये कई क्वेश्चन कर लिया। तो
तो आप क्या करोगे, इसको ऐड करोगे, तो 0 प्लस 4 कितना हो गया 4, यहाँ भी हो गया। फिर से क्या करोगे, ये सो करोगे मल्टीप्लाई, सो 1 इंटू 4 कितना हो गया हमारे पास 4 हो गया। उसको क्या करेंगे, अगले वाले के नीचे में लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 4 आ गया। इसको क्या करेंगे हम, ऐड करेंगे, तो 3 प्लस 4 कितना हो गया 7, इसको क्या लिखोगे आप 7। फिर क्या करेंगे हम, इस दोनों को करेंगे मल्टीप्लीकेशन, सो 1 इंटू 7 कितना हो गया 7 हो गया, दिस इज द वैल्यू हियर 7, है ना, 1 इंटू 7 7, उसको अगले वाले के नीचे लिखना था। इसको क्या करेंगे हम, ऐड करेंगे, तो माइनस 5 प्लस 2 कितना हो गया, माइनस 5 प्लस 7 कितना हो गया 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख लो आप 2। अब क्या करोगे, इसको इसके साथ करोगे मल्टीप्लीकेशन, है ना, क्रॉस में क्या करते हैं मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 2 आ गया, तो 2 को रख लो अगले वाले के नीचे, इसको कर लो ऐड, ऐड करने से कितना आ गया 6 आ गया, तो ये वैल्यू किसका आ गया आपका, रिमाइंडर का वैल्यू आ गया, है ना। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर, और जो बाकी जो आया है दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक, है ना, ये हमारे पावर 4 में था ना, बाई क्वाड्रेटिक था, तो ये हमारे पास क्या बन गया, क्यूबिक बन गया, तो ये हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर का वैल्यू, ये हमारे पास क्या आ गया, रिमाइंडर। तो चलो यहाँ पे अगर लिखना चाहते तो लिख लो, है ना, कौन कहाँ कहाँ पे क्या है यहाँ पे, तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे कि हमारे पास डिविडेंड क्या है, जो क्वेश्चन में गिवन था इसको हम डिविडेंड बोलते हैं, 4x to the power 4 प्लस 3x square देन माइनस 5x plus 4, एंड हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस 4, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ये हमारा डिविडेंड हो गया, तो ठीक है डिवाइजर क्या है आपका, डिवाइजर देख लो, सो जो डिवाइजर है दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस वन है, है ना। अगर हम बात करते हैं कोशेंट का, तो ये जो बना है कोशेंट बना है, तो कोशेंट लिख लीजिए आप, तो आपका कोशेंट कितना आ गया हमारे पास, कोशेंट इज इक्वल टू दिस इज 4x³, समझ लो कि नहीं, प्लस 4x³, है ना, पावर 4 में था यहाँ पे, तो 4x³ आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 4x² देन प्लस ऑफ 7x प्लस ऑफ 2। देखो बच्चे, अगर आप तुम इसको करके देखता कितना लंबा होता, तुम खुद करके देखना, और यहाँ पे हम लोग इस ट्रिक के हिसाब से कितना शॉर्टली कर पा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर का वैल्यू कितना आ गया, रिमाइंडर का वैल्यू आ गया अपने पास 6। सो इस तरीके से हम इसको शॉर्टली कर पा रहे हैं, तो होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग के लिए हमने यहाँ पे 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है, तो ये दोनों आप क्वेश्चन प्रैक्टिस में करके आप कमेंट में मुझे आंसर बताएंगे कि इसका रिमाइंडर का वैल्यू कितना आया, और सिर्फ रिमाइंडर बताएंगे तो हम समझ जाएंगे कि आपका सही है। सिर्फ रिमाइंडर मुझे बताइएगा इसको कमेंट में करके, हाँ इसी मेथड से कीजिएगा, कोई और मेथड मत लगाइएगा, आपको सीखना है इसको, और इसको आप प्रैक्टिस में लाइए, है ना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, है ना, और इस तरह से अगर और भी कुछ वीडियो चाहते हैं किसी नए टॉपिक पे, या कोई टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगता है तो आप ज़रूर से बताएं, हम उसका पे वीडियो ज़रूर बनाएंगे। आई विल मेक द वीडियो ऑन दैट टॉपिक। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।